मैं उस वक्त कैथीड्रल चर्च में, और यहाँ पे हम शूट के लिए आए हैं। उससे पहले एक निकाह होगा और उसके साथ साथ हम शूट भी करेंगे। चर्च में मैं काफ़ी देर पहले आ गया था, मुझे थोड़ा यहाँ पे हाइपरलैब बनाना था, मैंने वो हाइपरलैब बनाया है। चर्च का मैं आपको पूरा विज़िट करवाने वाला हूँ, आज चर्च का पूरा विज़िट करेंगे। और उसके साथ एक हाइपरलैब बनाया है, उसका मैंने जिक्र पहले भी किया था, वो आप हाइपरलैब भी चेक कीजिएगा और मुझे बताइए कि मैंने कैसा काम किया, जो कि आप अभी इसके बाद देखेंगे। और उसके बाद मैं शूट करूँगा, जब तक आप हाइपरलैग देखें और मैं शूट करता हूँ। हाइपरलैब बनाते हुए मैं थक तो गया हूँ, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत अच्छा मैंने हाइपरलैब बना लिया है। ट्राइपॉड नहीं था आज मेरे पास, थक गया हूँ, लेकिन थकने के बाद अब जो उसको रिजल्ट मैंने देखा तो उसमें मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ, इसलिए मुझे अपनी थकावट बिल्कुल भी फील नहीं हो रही। हाइपरलैब मैंने लाइफ में पहली बार बनाया है, तो अब आप लोगों ने बताना है कि वो कैसा बना। दुल्हन लेट हो गई है, दुल्हन अभी तक कॉलर से नहीं आई, दूल्हे हमने शूट कर लिया है और लाइट भी काफ़ी कम हो रही है। टेंशन ये हो रही है कि लाइट कम होने से पहले पहले दुल्हन आ जाए ताकि अच्छा सा शूट हो जाए। आज मेरे साथ हेल्प के लिए आए हैं उस्मान भाई, ये उस्मान है, ये आज मुझे यहाँ पे हेल्प करेंगे मेरे काम में। लेकिन ये मुझे क्या हेल्प करेंगे, इनकी तो अपने लेग पे चोट लगी हुई है, ये बस आज रेस्ट ही करेंगे, सब कुछ मुझे खुद ही करना पड़ेगा। उस्मान एक्चुअली मेरे भाई हैं, चाचू के बेटे हैं मेरे, मुझसे छोटे हैं, और इनसे एक और भी रिश्ता है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा।